वॉज वेरी वरिड, आप तो मिली हैं मामा से, शी वाज लाइक के बेटा भी देख लो, अभी अभी करियर का शुरू हुआ है, अभी शादी 4-5 साल तुम्हारी रुक सकती है, छोटी सी हो, अभी देख लो। सो फिर मैंने जब मिलवाया इनकी फैमिली सर सलान से मिली, तो अम्मा को, मेरी अम्मा को कन्विंस करना, हालांकि वो जानती थी सब कुछ के उनसे एक एक चीज अपडेट होती थी उनको, बट वो थोड़ा सा थी कि अभी जरा सोच रहे, बट जब ये लोग मिले हैं और उन्होंने कहा कि मैंने आंटी से फॉरेन दोस्ती कर ली थी, ये देखो ये चालाकी है, मामा इसका बड़ा फेवरेट हूं, तो के बीच में कोई समाज की दीवार नहीं आई, नहीं आई अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक हमारी एक बहुत बड़ी चीज ये भी थी कि हम दोनों की जो अम्मियां हैं, सो वी बोथ फ्रॉम ब्रोकन फैमिलीज, एंड हमारी जो करता धरता है हमारे घर की वो हमारी अम्मियां हैं, और बड़ी स्ट्रांग किस्म की दोनों खवातीन हैं, सो उसकी वजह से भी कि अम्मियां आपकी बात को समझती भी हैं और देखती भी हैं, बट हमने अपनी शादी हमारा सबसे पहले यही था कि जितनी हमारी चादर है हम उतने ही पांव फैलाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। I think also because हम दोनों ने अपनी शादी खुद की है। हमारे माँ बाप की तरफ से, इनके घर वालों की तरफ से हमें पूरी सपोर्ट थी और उन्होंने बड़ा हमें सपोर्ट किया है, बट हमें ये पता था कि हम उन पे बोझ नहीं डालना चाहते इन एनी वे। ये इनकी फैमिली की तरफ से बहुत बड़ी सपोर्ट थी कि हमें कोई आप लोगों से वो चीजें और तहाइफ और कुछ नहीं चाहिए, ना कोई जहेज, ना कुछ इस तरह की कोई फॉर्मेलिटीज नहीं थी। वो अक्सर होता है ना कि माँ बाप के पैसे होते हैं तो होता है कि अच्छा यार हम लोग ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। शुरू शुरू में जब व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग, तो मैं तो अम्मी के फुल पैसे, अम्मा ये दे दें वो दे दें, और मेरी अम्मा चुप करके दे भी देती होती थी। तो व्हेन वी स्टार्टेड अर्निंग खुद, तो इस चीज का आइडिया हुआ कि यार पैसे की क्या वो है, वैल्यू पैसे की वैल्यू क्या है।